श्री शिवाय नमस्ताभ्याम, हर हर महादेव। दोस्तों, करोड़पति बनना है तो सिर्फ एक सोमवार कर लें यह कार्य, इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाएंगे। दोस्तों, पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सोमवार के दिन करोड़पति बनने का बहुत ही अचूक उपाय बताया है। जिन लोगों के घर में हमेशा धन से जुड़ी समस्या बनी रहती है या फिर उनके हर काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और घर में पैसा आने से पहले ही खर्च हो जाता है, तो दोस्तों उन लोगों को पूज्य गुरुजी के अनुसार बताया गया ये अचूक उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय बहुत ही सरल और बहुत ही चमत्कारिक रूप से काम करता है। दोस्तों, जितना ज़्यादा सरल है उतना ही असरदार उपाय भी है। इस उपाय से महादेव की कृपा से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूज्य गुरुजी के अनुसार बताए गए इस टोटके को किस तरीके से करना है और कौन सा एक काम आपको सोमवार के दिन करना होगा जिससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपाय काफ़ी सरल होते हैं। सीहोर के रहने वाले प्रदीप मिश्रा जी ने सोमवार के कई उपाय बताए हैं, इसलिए लोग इन्हें सीहोर वाले बाबा भी कहते हैं। अपनी कथा के दौरान प्रदीप मिश्रा जी अक्सर नए उपाय बता देते हैं जिन्हें करने से मनचाही मुरादें पूरी हो जाती हैं। ऐसा ही एक उपाय सोमवार का है। बता दें कि हर कोई जानता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मां मृत्युंजय मंत्र का जप करना शुभ होता है। ऐसे में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भी बताया कि सोमवार के दिन मां मृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करने और गाय के कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में प्रगति होती है। इसके साथ ही जीवन में खूब तरक्की मिलती है और इंसान काबिल बन जाता है। इसके साथ ही खूब पैसों की बारिश भी होने लगती है। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि मां मृत्युंजय मंत्र काफ़ी लोगों को आता भी नहीं है, तो उसकी जगह पर पूज्य गुरुजी बताते हैं कि 108 दाने चावल के लेकर आप किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग के पास बैठ जाएं और एक एक करके चावल का दाना शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं और श्री शिवाय नमस्ताभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाएं। बस इतना करने मात्र से ही आपके घर में खूब पैसों की बारिश होगी और महादेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। 108 चावल के दाने चढ़ाते समय दोस्तों आपको हर चावल के दाने के साथ में श्री शिवाय नमस्ताभ्यम मंत्र बोलना है और फिर बाद में एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है। बस इस एक उपाय से आपकी जो भी कामना होती है, जो भी मनोकामना होती है, महादेव पूरा कर देते हैं। अगला उपाय दोस्तों, पूज्य गुरु जी बताते हैं कि यदि आपके पास पैसा नहीं टिकता है और व्यर्थ में खर्च होता है तो आप सोमवार के दिन बिलपत्री के 5 पत्ते लें, जो कि कहीं से भी टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। साबुत और सुंदर से आपको बिलपत्री के हरे पत्ते लेने हैं। साथ में आपको एक लोटा जल लेना है। उस जल में आपको थोड़े से काले तिल और थोड़ा सा गुड़ डाल लेना है। साथ में एक देसी घी का दीपक ले लें जिसमें गोल वाली बाती लगा लें और फिर आप अपने घर के पास किसी भी शिव मंदिर में पहुँच जाएँ। वहाँ जाकर सबसे पहले 5 बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। एक एक करके आपको शिवलिंग पर बेलपत्री रखनी है और श्री शिवाय नमस्ताभ्यम मंत्र बोलते जाना है। उसके ऊपर से आपको एक लोटा जल धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करना है, ठीक है। उसके बाद आप देसी घी का दीपक शिवलिंग के सामने प्रज्वलित कर दें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद दोस्तों आप कुछ देर के लिए शिवलिंग के पास बैठ जाएँ और महादेव और माता पार्वती का ध्यान करें और उनसे अपनी जो भी कामना है वो कामना आपको कह देनी है। फिर उसके बाद आप उनमें से एक पत्ता उठाकर अपने पर्स या पैसे रखने वाले स्थान पर तिजोरी में रख दें। दोस्तों, इस आसान उपाय से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी और धन लाभ के योग बनने लगेंगे। बिलपत्री का पूजन पाप व दरिद्रता का अंत कर वैभवशाली बनाने में मदद करता है। ऐसी मानता है कि घर में बेलपत्री लगाने से देवी माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। साथ ही सोमवार के दिन अजमाए गए बेलपत्री के ये आसान उपाय आपको सुख समृद्धि दिलाने में मदद कर सकते हैं।
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव या श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए।